लगता है आज फिर देर से पहुंचना पड़ेगा काम पे। इतनी देर से उठाया तुमने मुझे। जब नाश्ता तैयार होगा तभी तो जगाऊंगी ना, चूल्हा अभी फारिग हुआ है। सुबह हुई नहीं और तुम्हारी कहानी है शुरू। ये कहानी मेरी लिखी भी नहीं है, पता नहीं कब उतरेगा हमारे कंधों से ये बोझ। कौन सा बोझ? यही जॉइंट फैमिली का बोझ। देखो हम अपना खाते हैं अपना कमाते हैं और दूसरे भी यही करते हैं। मैं कोई पूरी फैमिली का बोझ नहीं उठा रहा हूँ। मैं भी यही कह रही हूँ, जब सबका चूल्हा अलग अलग है तो साथ रहने की जरूरत क्या है? अब्बा घर क्यों नहीं बेच देते हैं ताकि सबका हिस्सा उनको मिल जाए और ये रोज उसकी कहानी भी खत्म हो जाए। देखो ये फैसला अब्बा का है, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फैसला जरूर अब्बा के हाथ में, लेकिन फैसला तो हमारे मुस्तकबिल का होना है ना। वो खुद तो फैसला करेंगे नहीं, आपको ही उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर बंटवारे की बात हमने की ना तो खानदानी तबसरों की सारी तोपों का रुख हमारी तरफ हो जाएगा, जबकि ख्वाहिश सबकी यही है। जो भी करें करना तो पड़ेगा। फिलहाल नाश्ता करके नौकरी पे चला जाऊं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लगता है कि आप वॉशरूम में बैठ के भी बस सोचते ही रहते हैं। अरे भाई जल्दी का काम तो वैसे भी शैतान का ही होता है। अपनी सुस्ती का कसूरवार आप शैतान को क्यों ठहरा रहे हैं? क्या हुआ बेगम, सुबह सुबह इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये तो रोज का मामूल है, ये छोड़ें आप। पता नहीं कब तक अब्बा इस घर पर कब्जा जमाए बैठे रहेंगे, न जाने कब करेंगे हिस्से वो। तौबा, इस बुढ़ापे में जायदाद से इतनी मोहब्बत मैंने नहीं देखी कभी। ये तो मेरे सामने अब्बा के बारे में कैसी बातें कर रही हो, कुछ तो ख्याल करो। अच्छा ना कर लिया ख्याल, अब आप ये बताएं कि भाई साहब से मिलके आप अब्बा से कब बात करेंगे? देखो भाई जब बड़े भाई साहब चाहेंगे तभी बात होगी। क्या मतलब जब तक भाई साहब ना चाहें? अगर वो नहीं चाहेंगे तो क्या मतलब है, आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? देखो सब चाहते वही हैं जो हमारे दिल में चल रहा है, और वैसे भी अभी तक बड़े भाई ने तो कोई बात की नहीं, तो फिर हम पहले बात करके क्यों बुराई मोल लें? लेकिन क्या जब तक वो लोग खामोश रहेंगे हम भी कुछ ना बोलें? अरे ऐसे खामोश रहने से मसले थोड़ी हल होंगे। ठीक है सोचता हूँ मैं। अरे आपका नाश्ता तो बातों में ही ठंडा हो गया, मैं भी गर्म। नहीं बस रहने दो, मैं दुकान जा रहा हूँ, देर हो रही है, वहीं जाके नाश्ता कर लूँगा मैं। ठीक है। अरे ये किसने याद कर लिया यार हमें? हेलो कौन? अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, कैसे हैं आप? अरे सुरैया बेटी कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े दिनों के बाद याद आई है पापा की। आपको बड़ी मेरी याद आई थी ना, मैंने तो फिर भी आपको याद कर लिया, आपने तो इतने दिनों से कोई खैर खैरियत ही नहीं ली। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही पकड़ी है मेरी, वैसे बहुत हाजिर जवाब हो गई हो। आखिर आपकी बेटी हूँ, हाजिर जवाब तो होंगी ना। अच्छा ये बताएं आप कैसे हैं, भाई कैसे हैं, भाभी कैसी हैं? हाँ ठीक है। बस ठीक है मतलब आपका ख्याल नहीं रख रहे क्या वो लोग? सब वक्त तो घसीट रहे हैं बेटा, जब किसी के दिल में ख्याल आ जाता है आके पूछ लेता है। वैसे मैं खुद भी किसी को अपनी खिदमत के लिए तंग नहीं करता। अब वो आप लाहौर आ जाएं भाई, मैं खुद आपकी खिदमत करूंगी। अल्लाह ना करे बेटा कि ऐसा वक्त आए कि मैं अपनी बेटी के कंधों पर आ पड़ूं। मेरा कोई हक नहीं है आपकी खिदमत करने का, ये हक आप मुझसे छीन रहे हैं। अरे बेटा शादी से पहले तुम्हें तो खिदमतें की हैं मेरी। तुम खफा ना हो, मौका मिला तो मैं लाहौर चक्कर लगाऊंगा। अब आपके दिल में कोई भी बात हो, आपको कोई भी तकलीफ दे, आप बिला झिझक अपनी बेटी को बताएं, फौरन फोन किया करें मुझे। अरे बेटा भला मुझ बूढ़े को क्या तकलीफ हो सकती है, सब ठीक ही चल रहा है। थोड़े बहुत मसले तो हर इंसान की जिंदगी में होते हैं बेटा, तुम परेशान मत हुआ करो। अच्छा अब्बा आप अपना ख्याल रखें और जब भी दिल करे मुझे फोन कर लिया करें। अच्छा बेटा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ वो अपने शौहर को बेटा मेरी तरफ से पूछना। और हाँ देखो मेरी नन्ही नवासी को बहुत बहुत प्यार करना मेरी तरफ से। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम लोगों को शाद आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या हुआ, बात हुई आपके अब्बा से? हाँ की थी बात, अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब्बा को हर तरह से मनाने की कोशिश की
लेकिन क्या कह सकते हैं? आप कुछ कह नहीं सकते। हम इस घर में लाचार हस्ती की तरह हैं, जिन्हें अब्बा ने पना देकर एहसान किया हुआ है। भाई वो पुराने सोच के इंसान है, अपनी सोच नहीं बदलेंगे। तो हम नए दौर के लोगों को भी अपने फैसले मनवाने आते हैं। अच्छा, क्या करोगी तुम? उनसे बदतमीजी करोगी? क्या हासिल होगा? अरे लोग क्या कहेंगे, बड़ी बहू ने ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मैं बुरी क्यों बनूं? मैं कुछ ऐसा करूंगी, कुछ ऐसा माहौल बना दूंगी कि अब्बा के पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इस घर के बेचने के। अच्छा, और ऐसा नहीं हुआ तो? इंसान अगर करने पर आए ना तो बहुत कुछ कर सकता है। अब्बा माने या ना माने, लेकिन आप वक्त की मुनासिबत से ये मकान बिकने के बाद छेड़ते रहा करें। अगर ये घर बिक भी गया तो होगा क्या? और बात सुनो, ये हमारे बुजुर्गों का घर है, कहीं और रहने से बेहतर है कि हम इसी घर में रहते हैं। हम कहीं और रहेंगे, कम से कम वहाँ सुकून होगा। सुकून होगा? वो कैसे? अरे भाई, ऐसे कि आपको नाश्ता और खाना वक्त पे मिलेगा, जो खर्चा आप करेंगे आपको मालूम होगा कि आपके घर पे वो कहाँ लग रहा है, पानी और बिजली का बिल जो आप देंगे वो आप ही यूज़ कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सुकून की बात तो ये होगी कि वहाँ पर किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होगा। कम अकल, मगर वो घर किराए का होगा। किराए का मकान? आपसे किसने कहा कि हम किराए के मकान पर जाएंगे? आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, मैंने सारी मालूमात कर ली है। बस जितने में ये बड़ा घर जाएगा ना, उसके भी आधे में हमें एक छोटा सा फ्लैट या घर तो मिल ही जाएगा, बल्कि उसमें से भी हमारे पास 5 या 6 लाख तो बच ही जाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि 5 लाख से एक ज़बरदस्त बुटीक शुरू करेंगे, और सबसे सुकून की बात तो ये होगी कि उसमें किसी का भी शेयर नहीं होगा, जो होगा हमारा होगा। सही कह रहे। अच्छा बस, अब ज़्यादा सोचें मत, कुछ कर गुजरें। वाकई अगर अब्बा मान जाए ना तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, वरना सारी उम्र आपकी इसी दर्जी की दुकान में गुजर जाएगी, और आपका कभी कोई स्टैंडर्ड भी नहीं आ पाएगा। बस कमाओ और खाओ, और अब्बा जी ने एक छत दे दी है, रात के 4 पहर इसमें सो जाओ। ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। बस मेरी तो ये दुआ है कि अब्बा मान जाए। फ्रिज में मेरा आलू गोश्त का सालन रखा था, कहाँ गया वो? ओह, पाव भर का आलू गोश्त का सालन 2 किलो की पतीली में रखा था फ्रिज में। मुझे अपना सामान रखना था, इसलिए मैंने निकाल के बाहर रख दिया। क्या? आपने मेरा आलू गोश्त का सालन सड़ने के लिए बाहर फेंक दिया? भाभी, आप उसे किसी छोटे प्याले में भी रख सकती थी। ये काम तुम खुद भी कर सकती थी, वरना मुझे नहीं करना पड़ता। फिक्र नहीं करो, खराब नहीं हुआ होगा, और अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे ले लो, मैं दे देती हूँ तुम्हें सालन, मगर शोर मत करो। शोर मैं नहीं, शोर आप मचा रही हैं। ये खूबे भाभी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या हो गया है भाई, आखिर आप लोग बच्चों के साथ क्यों लड़ रहे हैं? अब देखें ना अब्बा, भाभी को रोज किसी ना किसी मसले पर मुझसे बहस करनी होती है। अब्बा, ये रोजाना चूल्हा खुला छोड़ देती है, और इतना सा सालन इतनी बड़ी पतीली में उठा के फ्रिज में रख देती है जगह घेरने के लिए, और किचन की लाइट भी खुली छोड़ देती है रोजाना। इसको बहाने करने आते हैं मुझसे लड़ने के लिए। जी नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी झूठ बोल रही हैं। अरे फ्रिज में जितना हक इनका है उतना मेरा भी है, अगर मैंने फ्रिज में एक बड़ी पतीली रख दी तो क्या हो गया, पूरे फ्रिज में तो इनके खाने का सामान भरा हुआ है। अरे तो भाई, ये इतने बड़े मसले तो नहीं है, मिलजुल कर हल कर लो। ठीक है अब्बा, तो इस बात का भी एक ही हल है कि हम दोनों के फ्रिज अलग कर दिए जाएं। तुम दोनों शादीशुदा औरतें हो या दूध पीती बच्चियां, ये एडजस्ट नहीं हो रहा, वो अलग कर लो, वो मुनासिब नहीं लग रहा, ये अलग कर लो। तुम दोनों तो घर में बैठकर अपने बेबुनियाद और बेवजह के झगड़ों में अपनी ख्वाहिशें सुना दोगी। इन्हें अफोर्ड कौन करेगा, इन्हें भुगतेगा कौन? खुदा का खौफ करो और अपने शोहरों की हलाल की कमाई का कुछ ख्याल करो, वरना लूट जाओगे। अब्बा, तो क्या रोज के झगड़े बर्दाश्त करेंगे?
पहले तुमने खाना अलग किया, अब घर के सामान की अलहदगी अख्तियार करने की ख्वाहिश हो रही है, कल आपस में दोनों अलहदा अलहदा हो जाओगे, दो फ्रिज में कितनी चीजें आ जाएंगी? उतनी जितनी एक फ्रिज में आ सकती हैं, और फिर दो फ्रिज के बिल भी डबल होंगे, जबकि उनमें चीजें वही एक पुराने फ्रिज जितने रखी जाएंगी। घर में दो फ्रिज आए मैं ऐसे कभी इजाजत नहीं दूंगा। तुम लोग अपने फ्रिज और फ्रीजर के खानों को आधा आधा तकसीम कर लो, उसमें एक चीज रखो या अपनी 1000 चीजें रखो, उसे कोई नहीं छुएगा, समझे? भाभी देखा आपने अब्बा ने कितनी चलाकी से नहले पे दहला खेला है। अरे हमारे फ्रिज के मुद्दे को कितनी आसानी से अब्बा ने खानों की तकसीम में मुंतकिल करके बात ही खत्म कर दी। हम भी बड़ी ढीठ चमड़ी है, देखना इन्हीं फ्रिज के खानों को लेके एक नई जंग शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं अब्बा इसमें दिफा कैसे करेंगे। अच्छा तो फिर चलें शुरू करते हैं। भाभी जब अब्बा ने फ्रिज का मसला खाने तकसीम करके हल कर दिया तो आपने उसमें लड़ाई की एक और गुंजाइश निकाल ली कि आपको तो नीचे के नहीं, आपको तो सारे खाने ऊपर के चाहिए, मैं हर बार आपकी बात नहीं मान सकती। लड़ाई मैंने ही तुम कर रही हो, मैं तुम्हें एक वजह दे रही हूँ, मेरे मोहरों में दर्द रहता है इसलिए मैं ज्यादा झुक नहीं सकती, इसलिए तुमसे ऊपर के खाने मांग रही हूँ। अच्छा जी, इसी मोहरों के दर्द के साथ मार्केट है तो आप बड़ी घूमती हैं, घर में आपको ये दर्द महसूस होता है? खुदा खैर करे, क्या हो गया तुम दोनों को? आखिर तुम लोगों ने इस घर में तनाव ज्यादा माहौल क्यों बना रखा है? सुबह तुम फ्रिज पर लड़ रही थी और अब तुम फ्रिज के खानों पर लड़ रही हो, कुछ ख्याल है तुम्हें अपनी उम्रों का कि नहीं? घर को जहन्नुम बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। लगता है बीज फसल देने लगे। मुझे तो लगता है अब्बा हमारे झगड़े से बेजार आने लगे। आज हम चूल्हे पर फसाद डालते हैं जिससे अब्बा हिल जाए। भाभी आप बस देखती जाएं। भाभी सुबह का वक्त है और आपने दोनों चूल्हे घेरे हुए हैं, मुझे दोपहर का खाना बनाना है, चूल्हा खाली करें आप। मैं भी खेल नहीं रही हूँ, फ्लैश की लाइन खराब हो गई है तो मैं तो घर के किसी काम का होश नहीं रहता है। गटर में डालने के लिए चूल्हे पे पानी गर्म कर रही थी कि तुम आ टपकी। पानी आप एक चूल्हे पे गर्म कर रही हैं, अपनी पतीली का साइज तो देखें, इतना बड़ा पतीला आपने चूल्हे पे रख दिया है जिसकी वजह से दूसरा चूल्हा भी गिर गया है और वो चूल्हा इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। ओहो मैमुना तुम्हें कोई ना कोई शुगल चाहिए होता है, मेरा दिमाग खराब मत करना। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? मेरी तबीयत का ख्याल करो, मुझे ऊंची आवाजें बुरी लग रही है। अरे वाह अब्बा, आपको वैसे तो ऊंची से ऊंची आवाज सुनाई नहीं देती और मेरी आवाज आपके कानों तक साफ सुनाई दे रही है, आप भी मुझे को डांटे। अरे मेरा बेटा घर में इत्तफाक एक ही से मिलजुल कर रहो, इन तलखियों में कुछ नहीं रखा, इन बेकार की बातों से खुद को और दूसरों को तकलीफ क्यों दे रही हो? अब्बा ये बातें तो सारी जिंदगी से जुड़ी हैं, आखिर कब तक फरामोश करके बर्दाश्त करते रहे? कोई भी नहीं है, शायद हवा से बंद हो। इसी तरह के 2-3 डोज अगर रोजाना अब्बा को दे दिए जाए ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, इस तरह अब्बा बहुत जल्दी मान जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाभी बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो भाई मुझे तो देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई रुकिए जरा, मैं भी साथ चलता हूँ आपके। हाँ चलो। अच्छा जी अल्लाह हाफिज। अच्छा सुने। हाँ जी बोलो। आने से पहले फोन कर दीजिएगा, हो सकता है मुझे बाजार से कुछ मंगवाना हो।
चलो ठीक है। हाँ भाई। मैमू ना ऐसा करते, पहले घर के सारे काम निपटा देते, फिर अब्बा को देखते। भाभी क्या करना है, अब तो दोपहर भी हो गई। बस ही मैं बोतल रखती हूँ फ्रिज में, फिर चल के अब्बा को जगाते हैं। नेकी और पूछ पूछ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी चलें। क्या हुआ? लगता है अब्बा को हार्ट अटैक हुआ। या अल्लाह, भाभी हम तो इन्हें सिर्फ दहलाना चाहते थे, फिर ये क्या हुआ इन्हें? चुप चुप रहो, नॉर्मल हो जाओ, चलो कमरे से बाहर आओ। जो मैं कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करना, बिल्कुल तुम वैसे रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर अली और मोहम्मद अब्बा के मुतालिक पूछे तो कहना कि अभी तक उठे ही नहीं। ठीक है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? हाँ भाई। पानी लाओ। हाँ भाई पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। अरे वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, आज इतनी जल्दी आ गए दुकान पे सर? अरे भाई सुबह से लाइट नहीं थी तो जल्दी दुकान बंद करके आ गया मैं। एक तो ये लाइट वालों ने जिंदगी अजाब करके रखी हुई है, बंदा कमाए क्या और खाए क्या। अब्बा कहाँ हैं? नमाज पढ़ने गए होंगे मगरिब की। नहीं वो अब्बा तो क्या हुआ अब्बा को? अरे भाई क्या हुआ बताओ तो। वो आज अब्बा अभी तक उठे ही नहीं। क्या सुबह से उठे ही नहीं? वो अब्बा ने दो बार पानी मांगा, पीने के बाद फिर से सो गए। चलो शुक्र पानी तो मांगा, मैं तो समझा। और तुम लोगों को कम से कम पूछना तो चाहिए था कि उनकी तबीयत ठीक है भी या नहीं, या हमें फोन कर देती हम आ जाते जल्दी घर। चलो मामा चल के देखें क्या हुआ उनको। चले भाई। अब्बा 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 क्या हो गया, तबीयत ठीक है आपकी? पानी पानी लेकर आओ मोहम्मद। तबीयत तो ठीक है आपकी? ये पानी पीजिए। डॉक्टर के पास लेके चलूं आपको? नहीं बेटा, बस ब्लड प्रेशर लो हो गया था, पता नहीं कितना सो गया मैं। चलें आप आराम करें।
अब जब आप अब्बा से इस घर में हिस्से की बात छेड़ेंगे ना, तो अब्बा हमारे हक में फैसला दे ही देंगे इंशाल्लाह। क्यों, तुम्हें इल्हाम हुआ है? हर बात इल्हाम से मालूम होती है क्या? अब्बा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, बुढ़ापा जोर पकड़ता जा रहा है। अब्बा कोई ना कोई वसीयत, कोई ना कोई फैसला तो देंगे ना कि इतना इसका और उतना उसका। क्या तो तुम ठीक रही हो, अब्बा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अल्लाह ही करम करे। अल्लाह ही करम करता है। अरे हाँ, वो सुना है कि कुछ दिन पहले सुरैया की कॉल आई थी अब्बा के मोबाइल पे। हाँ, मैमुना ने अब्बा का मोबाइल चेक किया था तो उसमें कॉल आई थी आपकी बहन की। क्या कह रही थी? क्या कहेगी, दुनिया मतलब परस्त है। चीनी टपकी नहीं कि मक्खियां भिनभिनाने लगी। और क्या मतलब? बुरा नहीं मनाइएगा, आपके वालिद हैं, इंसान कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। और वैसे भी ये घर अब्बा के नाम पे है, तो सुरैया खुद को आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में लाती जा रही है। और क्या, वाकई सुरैया ने कभी ना मुझे कॉल की ना मोहम्मद को, और अब्बा के पास कॉल आने का मकसद सीधा सीधा मतलब परस्ती है। देख लीजिए, और एक आप हैं। बस अब तो हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। अरे भाई, कौन सी मंजिल की बात कर रही हो? जायदाद में हिस्से की। क्या हुआ, अब्बा घर बेचने के लिए मान गए हैं क्या? आखिर कब तक नहीं मानेंगे, और वैसे भी दिन ब दिन उनकी हालत खस्ता होती जा रही है, और फिर उम्र का पड़ाव भी तो है। खैर जो भी हो, वसीयत में फैसला तो उन्हें जल्दी करना पड़ेगा। देख लो भाई, अल्लाह बेहतर करेगा। बस एक बार ये घर बिक जाए, फिर मैं भी देखती हूँ कि कौन सी ताकत हमारे आड़े आती है। फिर तो बस हम और हमारा मकसद एक साथ होंगे। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। होते होंगे, लेकिन ये बहुत करीब के ढोल हैं। बस एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। कैसी मुश्किल? अब अगर आपकी बहन जायदाद में से हिस्सा मांगने आ गई, तो रकम का चौथाई हिस्सा उनके अकाउंट में चला जाएगा। देखो भाई, होने को कौन डाल सकता है। अरे जनाब, हमें चैलेंज मत कीजिए आप। वक्त को कब कैसे अपने मुताबिक मोड़ना है ना, इसमें तो हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी। मोटर का बाल तो तुमसे मुड़ता नहीं है, और वक्त को मोड़ने की बातें बिखार रही हो तुम। दाल तो बिल्कुल तैयार है, बस तड़का लग जाए फिर खाने के लिए भी पेश है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी जायदाद अब्बा सुरैया के नाम कर दें। अल्लाह ना करे आपके मुँह में खाक। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बेगम, अल्लाह तो बहुत कुछ कर देता है, और अकेले हैरान के हैरान रह जाती हैं। आप तो बस रहने ही दें। देखो बेटा, जब तक मैं तवाना था, मैंने अपने इस घर को संभाल के रखा। अब दिन ब दिन उम्र के लिहाज से भी मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ, और तुम लोगों के आपसी मसलों से भी आजिज आ गया हूँ बेटा। हालांकि मैं इस घर को बेचने पे कभी आमादा नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों के रवैये देख के मुझे ये जालमाना फैसला लेना पड़ रहा है। खैर, पता नहीं मेरे अल्लाह की मेरे लिए क्या रजामंदी है। मैं तो ये घर तुम्हारे हवाले करके और सुरैया के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझसे अब ये आए दिन के हंगामे और चिक चिक बर्दाश्त नहीं होती बेटा। अब तुम जानो और तुम्हारे हिस्से लो बेटा। ये घर मैंने तुम्हारे नाम करके तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब तुम इसे बेचो या रखो। मेरे तो अब कब्र के दिन आ गए हैं, मुझे तो अपने उस घर की परवाह करनी है बेटा। शुक्रिया अब्बा। अब हमारी तरफ से भी बहुत शुक्रिया आपका।
या मेरे मालिक, बेशक तू वाकई सब चीजों को अपनी तरफ मोड़ देने वाला है, होश संभालने से लेकर अब तक जो मुझे मेरे माँ बाप से मिला, जो कुछ मैंने अपने हाथों से कमाया और जो मुझे मेरी औलादों से हासिल हुआ, तूने इतनी लंबी मुसाफत का जखीरा मुझसे आज एक पल में जब्त कर लिया और मुझे ऐसा खाली कर दिया जैसा मैं तेरे घर से इस दुनिया में आया था। इस दुनिया में आया था मेरे मालिक, इस दुनिया में तेरे घर से खाली आया था। हमारा घर अच्छे पैसों में बिक रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, एहसान है मेरे मौला, हमें यहाँ से छुटकारा तो मिलने वाला है। बिल्कुल, लेकिन भाभी सिर्फ अल्फाजों में हमें उस रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से हमें कुछ नजराना भी देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही गरीबों में खाना तकसीम करवा देती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे अब्बा जी की कॉल है। अब्बा जी, अरे बहुत अच्छे पैसों में सौदा हुआ है हमारे घर का। क्या क्या हुआ अली भाई? क्या हुआ अली भाई, सब खैरियत तो है ना? वो अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, वो इमरजेंसी में, चलो अस्पताल। डॉक्टर साहब, जो बात भी हमें क्लियर बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मेजर रोड एक्सीडेंट की वजह से सारे पेशेंट के टिश्यूज फट चुके हैं। इस तरह की कंडीशन में यहाँ के डॉक्टर हाथ नहीं लगाते। देखिए, उनकी पूरी बॉडी जो है चकनाचूर हो चुकी है। ये आप लोगों की खुशनसीबी है, एक टीम अमेरिका से विजिट के लिए आई हुई है। हमने उनसे बात की है, वो ऑपरेशन के लिए तैयार है, मगर उसके लिए आपको फौरी तौर पर 50 लाख रुपये काउंटर पर जमा कराने होंगे ताकि सर्जरी अमल में लाई जा सके। 50 लाख? क्या 50 लाख? एक पल की खुशी भी हम ढंग से नहीं मना सके कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ से आएगी इनके लिए इतनी बड़ी रकम? कहाँ से आएगी मतलब? देख लीजिएगा भाभी, यकीनन सुरैया मकान की रकम का मुतालबा करेगी। मकान की रकम? अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अरे, इतनी मन्नतों मुरादों से तो ये मकान बिका है, यहाँ मकान के बिकते ही लुटेरे आ गए। भाभी, आप माने या ना माने, देख लीजिएगा, सुरैया अपने दोनों भाइयों के कान भरेगी और दोनों भाई उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे और उसकी बातों में भी आ जाएंगे। भाभी, मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। आप लोग अपने अपने शोहरों से बात करें ना, अब्बा की जान बचाई जा सकती है। वो कैसे? मकान के पैसों से अब्बा का ऑपरेशन करवा कर। क्या, मकान के पैसे? हाँ, मकान तो अब्बा का ही है ना, अगर उनके पैसे हम उन पर लगा देंगे तो कोई एहसान नहीं होगा, उम्र भर की जन्नत कमा लेंगे भाभी हम। जन्नत? मैमुना भाभी, आलिया भाभी, आप लोग बात करें ना भाई से, हो सकता है भाई इनकार ना करें,
और खुदा को हमारी ये बात पसंद आ जाए, हम सब की किस्मत बदल जाए। अब अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास से आती हूँ। सुनिए, बात 50 लाख रुपए की नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, अगर कामयाब ना हुआ तो, और इतनी बड़ी रकम अगर हमने अब्बा के इलाज पे लगा दी ना, तो हम सब सड़कों पे आ जाएंगे। भाई ये आप कह रहे हैं? सुरैया जरा सोचो, हमने अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा और जज्बात में आके सारा पैसा लुटा दिया, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? आप जैसे बगैरत बेटे नहीं देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बेटी पैदा हुई है। तमीज से बात करो, किस तरह बात कर रही है तुम? मैं तमीज से बात करूं? तमीज से तो बाप से पूरा खानदान बात करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैं यहाँ पर सबको बुलाऊंगी और जमा करूंगी फिर पता चलेगा। इसका मतलब तुम धमकी दे रही हो हमें? हाँ दे रही हूँ धमकी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ जो जैसा हो उससे वैसे ही बात करनी चाहिए। बस बस बहुत हो गया, किसी को बुलाने और तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम बंदोबस्त करते हैं रकम का। बात क्या क्या कह रहे हो तुम? ठीक है भाई, अब्बा का इलाज कराना हमारा फर्ज है, आगे की आगे देखी जाएगी, हम बंदोबस्त करते हैं रकम का। ठीक है, जाएं जाके पैसों का बंदोबस्त करें। हमने पैसे जमा करा दिए। सच? हाँ बहन, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। भाई आपने जो कुछ भी अब्बा के लिए किया है, आपकी औलाद इस बात का सिला जरूर देगी आपको। तेरी पगली कैसी बातें कर रही है? चल चल अब्बा के पास चलते हैं। चलो देखा, मैं तुम लोगों से हमेशा कहता था ना कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। ठीक कह रहे हैं भाई, तुम दोनों की लालच की वजह से आज हम घर के ना घाट के, और ऊपर से मेरा कारोबार भी सारा तबाह हो गया है। हमें अपने किए पे पछतावा है, जो हमने अपने बाप जैसे ससुर के साथ बहुत बुरा सलूक किया, और अपने हंसते बसते आशियाने को अपने हाथों से उजाड़ दिया। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वाकई हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, और आज इस बात का हमें बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि जो बात मिलकर रहने में है वो अलहदा रहने में नहीं है। ये बात अगर तुम लोग पहले समझ जाती ना, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, आज मेरी नौकरी भी होती और मोहम्मद का कारोबार भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप दोनों की कोशिश की वजह से आज अब्बू हमारे साथ हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ने जो काम हमसे लेना था वो ले लिया। सुरैया मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो अब्बा जी, आप भी मुझे माफ कर दे, बल्कि आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत पछतावा हूँ अपने किए पर। अरे भाभी माफ़ी क्यों मांग रही हैं आप? देखें गलतियों से ही बंदा सीखता है ना। अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, इरफान ने आप लोगों की नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है।